Hello music lovers, thank you for subscribing to this channel Sanchita Pandey Bollywood Hits. और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 5 points to remember as a singer. So here we start. The first point that you have to keep in mind is keep 10 songs ready. आपके पास इन गानों की पूरी लिस्ट होनी चाहिए. तो इस तरह आपके पास 10 सॉन्ग्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, योर एबिलिटी टू सिंग दोज सॉन्ग्स. उनकी लिरिक्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, किस फिल्म से लिए गए हैं वो पता होना चाहिए आपको, कंपोजर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, कुछ बातें उन गानों के बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वो है उनकी स्केल्स पता होनी चाहिए. आप किसी पर्टिकुलर सॉन्ग को किस स्केल से गाएंगे वो आपको पता होना चाहिए. दूसरी बात जो आपको एक अच्छा सिंगर बना सकती है वो है आपकी जो सॉन्ग लिस्ट है उसमें असॉर्टेड सॉन्ग्स होने चाहिए. उसमें होने चाहिए हैप्पी सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, डांस सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स और लेटेस्ट सॉन्ग्स. यस, मॉडर्न सॉन्ग्स होने चाहिए. आपके कितना भी ओल्ड इज गोल्ड है उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स ज़रूरी हैं. थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है इन सॉन्ग्स की चॉइस होनी चाहिए आपकी अपनी. बी ऑथेंटिक. आपको अपनी लिमिटेशंस पता है, आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स एज अ सिंगर पता है, तो जो चॉइस ऑफ सॉन्ग्स है वो होनी चाहिए आपकी. और जो पसंद है आपको गाने वही आप बहुत अच्छे से गा भी पाएंगे. चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इन 10 गाने की जो लिस्ट है आपके पास, इन सब के कैरियोकेज आपके पास रेडी होने चाहिए मोबाइल फ़ोन पे, और या इनके कैरियोकेज आपके पास पेन ड्राइव पे होने चाहिए. तो कभी भी आपको चांस मिलता है गाने का तो आप गा सकते हैं. दूसरी बात यह है कि इनकी रिवीजन भी ज़रूरी है, इनका भी अलग तरह से रियाज ज़रूरी है. जब भी आप कैरियोके पे इन गानों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड करके ज़रूर सुनिए. आपको करेक्शंस करने हैं. प्रैक्टिस का तभी फ़ायदा जब आप उसमें त्रुटियां निकालें, करेक्शंस करें, गलतियों को पहचानें और इम्प्रूवमेंट करें. बार बार सेम गलती दोहराते हुए प्रैक्टिस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो उसको करेक्ट करिए, जानिए क्या मिस्टेक्स हैं, पहचानिए, एक्सेप्ट करिए और करेक्ट करिए. जहाँ पे भी रीलर्निंग ज़रूरी है वहाँ करिए, रियाज करते रहिए. आपके सारे सुर सही जगह पे लगना चाहिए, गानों की तालें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आपको लाइव ऑर्केस्ट्रा मिलेगा तब आपको सब जितना आपको अपने गानों के बारे में पता होगा उतना आप अच्छे से गा पाएंगे. लिरिक्स आपको याद होनी चाहिए इन 10 गानों की, क्योंकि तभी आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे और आप एक्सप्रेशंस भी दे पाएंगे सॉन्ग में, क्योंकि आपका ध्यान लिरिक्स पे नहीं होगा देखने में पेपर में या मोबाइल से लिरिक्स देखने की बजाय आप अपने एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग टिल यू गेट बेटर एंड बेटर. किसी भी गाने में सिंगर को पूरी तरह से कॉपी मत करिए. आपकी ऑथेंटिसिटी जो है, जो आपका स्टाइल होगा, आपकी आवाज़ होगी, उसी को रखिए. बस गाना सीख लीजिए और उसी तरह गाइए जैसे मेन सिंगर ने गाया है. तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी की रेस्पेक्ट करिए, अपने स्टाइल की रेस्पेक्ट करिए और कुछ नया देने की कोशिश करिए अपनी ऑडियंस को. बी योर सेल्फ. तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.